नमस्कार, मैं हूं देव। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। खबरों की शुरुआत करते हैं अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड की एक शर्मनाक तस्वीर से, जो ओडिशा के खोरधा जिले से आई है। यहां एक मंदिर के पुजारी का वीडियो वायरल हो रहा है। खोरधा में एक मंदिर है जहां पुजारी ने लोगों को आशीर्वाद देने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आमतौर पर आशीर्वाद देने के लिए सिर पर हाथ रखा जाता है या पीठ पर, लेकिन ओडिशा में इस पुजारी ने लोगों को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाने के बजाय पैर आगे कर दिया। वीडियो 8 अक्टूबर को दशहरे के दिन का बताया जा रहा है। खोरधा के बानपुर इलाके में लोग विजयदशमी के दिन दर्शन पूजन के लिए पहुंचे, उसी दौरान पुजारी ने लोगों को आशीर्वाद देने के लिए ये अजीबोगरीब तरीका अपनाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में नजर आ रहा है कि पुजारी मंत्रोच्चारण करते हुए कतार में बैठे श्रद्धालुओं के सिर पर बारी बारी से अपना पैर रख रहा है। एक एक करके पुजारी सभी लोगों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ता है। पुजारी की इस करतूत को किसी ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। साफ है कि इस पाखंड के लिए जितना ये पुजारी जिम्मेदार है, उतना ही वे लोग भी दोषी हैं जो इस तरह के अंधविश्वास में यकीन रखते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग के भारत आने में अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, लेकिन अब भी इस पर स्थिति साफ नहीं है कि पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत में कश्मीर का मुद्दा रहेगा या नहीं। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के चीन ने विरोध किया था। भारत से उस मुद्दे पर वो सहमत नहीं थे। चीन की राय को भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। हालांकि दोनों देशों के बीच समिट में ये मुद्दा उभरता है तो फिर समिट में ही गतिरोध पैदा होने की आशंका है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर चीन पाकिस्तान के साथ रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भी पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद भारत ने चीन समेत दुनिया के सभी देशों को इस बात से अवगत कराया कि कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ऐसे में मोदी शी के सामने कश्मीर के मुद्दे को लेकर कोई चर्चा नहीं करेंगे। सूत्रों का कहना है कि अगर चीनी राष्ट्रपति ने इस मामले को लेकर कुछ शंकाएं जाहिर की तो पीएम मोदी उन्हें अपने स्टैंड से अवगत कराएंगे। वो धरती की गोद में थी, उसके सिर का आंचल आसमान था, मां के कलेजे की जगह था कूड़ेदान, जिंदा रहने के लिए बस हवा, किलकारी भी थम चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये चमत्कार दिल्ली के नांगलोई में सिर्फ एक दिन की नवजात बच्ची से जुड़ा है। अब उसे नाम दिया गया है दुर्गा। नांगलोई के कूड़ेदान में मिली इस नवजात को ये नाम दिल्ली पुलिस ने दिया है। पूरा थाना उस बच्ची से इस कदर जुड़ गया है कि हर कोई उसकी देखभाल के लिए सब कुछ करने को तैयार है। उसके माँ बाप उसे अनचाही औलाद समझकर फेंक गए। पुलिस ने इलाज करवाकर उसे एक स्वयंसेवी संस्थान के हवाले कर दिया है। अब पुलिस इलाके के सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर उसके परिजनों की पहचान करने में जुट गई। ये बच्ची पुलिस को बुधवार की शाम नांगलोई के सेवा रोड के कैंप नंबर 2 के कूड़ेदान में बहुत खराब हालत में मिली थी। आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। वो 77 साल के हो गए हैं। हालांकि इस बार बॉलीवुड के मेगास्टार का इरादा अपने बर्थडे मनाने का नहीं है, अपने प्रशंसकों से अपने अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करने के लिए विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हुए बिग बी ने कहा कि इसमें जश्न मनाने जैसा क्या है, ये भी एक सामान्य दिन की तरह है। मैं आभारी हूं कि अब भी काम कर रहा हूं और मेरा शरीर मेरी आत्मा के साथ तालमेल बिठाए रखने में सक्षम है। जन्मदिन को लेकर बिग बी ने अपने पुराने दिनों को याद किया जब उनके पिता और दिवंगत कवि हरिवंश राय बच्चन उनके जन्मदिन पर उनके लिए एक कविता लिखते थे और उनको सुनाते थे। पुराने दिनों को याद करते हुए बिग बी ने कहा कि ये परिवार की एक परंपरा थी, लेकिन इस परंपरा को नई परिभाषा तब मिली जब 1974 में मेरे साथ हुई जानलेवा दुर्घटना के बाद मेरे पिता ने मेरे जन्मदिन पर कविता सुनाई थी। वो मेरे लिए एक नई जिंदगी पाने जैसा था। कविता पढ़ने के दौरान मेरे पिता टूट से गए थे। ऐसा पहली बार था जब मैंने उन्हें इस तरह रोते हुए देखा था। बिग बी ने कहा कि समय के साथ बहुत सी चीजें बदल गई हैं और जन्मदिन की रस्में भी। ऐसी और भी खबरों के लिए नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।